सैंडविच बना के तैयार कर लिया देसी अंदाज में। अगर आपको ये रेसिपी सैंडविच की पसंद आती है या आलू टिक्की की, तो इसे सब्सक्राइब करना चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू टिक्की। तो इसके लिए मैंने आलू को उबाल लिया था, टिक्की बन रही है। टिक्की जब तक फ्राई होगी अच्छी तरह से उसका कलर चेंज नहीं होता है। आप तो टिक्की देख सकते हो कितने अच्छी तरह से एकदम कलर चेंज हो चुका है। इसी तरह से हम सारी टिक्की को फ्राई कर देंगे। तो टिक्कियाँ हमारी फ्राई हो चुकी है, तो ये जो इसकी साइड थी वो बढ़ती है, तो यहाँ पर नीचे वाली साइड इसकी फ्राई होगी अच्छी से। मैं इसे अच्छे से फ्राई करके आपको दिखाऊँगी। यहाँ पर मैंने आलू टिक्की रेडी कर ली है। तो आलू टिक्की हमारी बन चुकी है, तो मैं यहाँ पर बाहर लेके आई हूँ। फिर अंदर लैब चली गई थी, तो मैं यहाँ पर बाहर लेके आई हूँ। देखिए हमारी टिक्की कैसी बनी है। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड सैंडविच। उसके लिए मैंने खीरा लिया है, दो टमाटर लिए है, तो दो शिमला मिर्च ली है। इसे बारीक छील लेंगे और खीरे को अच्छी तरह से छील लेंगे, टमाटर को भी। यहाँ पर मैंने ब्रेड लिया है, जितने मर्जी आप चाहे बड़े ब्रेड ले सकते हो। तो मेरे पास छोटे ब्रेड थे, बस मैं छोटे ही लिए। यहाँ पर मैंने टमाटर और सलाद सारा छील लिया है सैंडविच बनाने के लिए, ब्रेड सैंडविच के लिए। यहाँ पर खीरे, एक हरी मिर्च है, आधा खीरा लगा है मेरे पास, आधा खीरा, एक प्याज है, दो टमाटर है, टमाटो सॉस है, चिली सॉस है, और यहाँ पर ब्रेड है। इवन में मैंने फ्राइड ऑयल को गर्म कर लिया था, जो टिक्कियाँ का ऑयल बचा था उसी में मैं फ्राई कर रही हूँ ब्रेड। इसी तरह सारे ब्रेड को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर ब्रेड फ्राई हो चुके हैं, तो इसमें हम थोड़ा टमाटो सॉस लगा देंगे। ये सामान है वो बन देंगे इसके अंदर, खीरे टमाटर जो भी है वो रखेंगे इसके अंदर। आलू की टिक्की भी है मेरे पास। इसी तरह से ब्रेड को इसके ऊपर रख देंगे। तो इसी तरह सारे ब्रेड कंप्लीट करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैं सैंडविच को गर्म कर रही हूँ, ब्रेड सैंडविच को यहाँ पर फ्राई पैन में, ताकि जो अंदर तक इसमें थोड़ा सेक चला जाए, तो जो है हमारी टिक्की जो थोड़ी सी गर्मा मिल जाए इसे। तो यहाँ पर हम इसे थोड़ा थोड़ा दबा देंगे, हल्का हल्का प्रेस कर देंगे। आप चाहो तो इस पर ढक्कन भी लगा सकते हो। तो आपने ज़्यादा ब्रेड फ्राई नहीं करनी है, तो आपने जो उसको ढकना है, तो मैं हल्के हल्के में गर्म कर लूँगी, जिससे मैं थोड़ा सेक चला जाए। देखिए हमने अपना सैंडविच बना के तैयार कर लिया देसी अंदाज में। अगर आपको ये रेसिपी सैंडविच की पसंद आती है आलू टिक्की की, तो इसे सब्सक्राइब करना चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय।